तो हेलो गाइस, शाम का भी 5 बज रहा है तो छत पे आया हूँ पतंग उड़ाने के लिए, पर पतंग है नहीं मेरे पास, तो देख के मज़ा ले रहा हूँ। तो आज सब्जी मंडी गया था तो उधर सोचा कि आज कुछ अलग बनाते हैं, इसलिए गया था। तो आज आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ बंगाली डिश में बोलता है जिसको डब चिंगड़ी। तो देखो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे खा के, मतलब आप भी ट्राई करके देखो घर पे, बहुत ही बढ़िया लगा। गलदा चिंगड़ी लिया मैं, बागदा चिंगड़ी तो नहीं मिला, पर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगा, करीबन 400 रुपये किलो था, तो मैंने 300 ग्राम तक ले आया था क्योंकि अकेला आदमी हूँ, अकेले खाना है। तो सिंपल प्रोसेस से देखो आप लोगों के लिए बनाया आज, बहुत दिन बाद कोशिश किया कि एक नया कुछ ट्राई करें। तो देखो मज़ा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बेहतरीन तो डिश है बट क्या है, मतलब ये चिंगड़ी पीस से बहुत लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, तो जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है वो मत ट्राई कीजिए होम पे एंड मत खाइएगा। बस डिश इज ऑसम, ट्राई करके देखो, बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ नहीं, स्टीम राइस के साथ खाओ, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं है और तेल भी नहीं है। तो गाइस शाम का वक्त है, छत पे आया हूँ थोड़ा मज़ा मारने, तो पतंग भी उड़ाना है, बहुत सारे पतंग भी उड़ रहे हैं, मुझे भी एक पतंग उड़ा के देखना है, देखो आप लोग भी। ये पतंग मैं नहीं उड़ा रहा भाई, गौर करके देखो किससे बंधा हुआ है, छत पे मेरा एक रस्सी से बंधा हुआ है, ऑटोमेटिक उड़ रहा है। तो चलो आज चालू करते हैं कुकिंग। तो ये चिंगड़ी फिश है जो मैंने 300 ग्राम लिया है, इसमें पहले देंगे हल्दी और नमक। नमक और हल्दी से इसको अच्छे से मैरिनेट करना पड़ेगा, तो अच्छे से मैरिनेट करके इसको फ्रिज पे आधे घंटे तक रख देंगे। उसके बाद इसमें मैं लूँगा सनराइज़ का, मैंने सरसों का पाउडर लिया है, एक पैकेट ही सरसों का पाउडर लिया है, तो ये करीबन 10 रुपये या 20 रुपये लिया था मेरे से। तो सरसों का पाउडर और इसमें मैंने मिर्ची का पेस्ट बनाया है मिक्सी में, तो वो पेस्ट देंगे 1 या 2 चम्मच, तो मैंने 2-3 चम्मच दे दिया, और थोड़ा सा नमक देंगे इसमें। तो इसको आप कोकोनट मिल्क जो होता है, कोकोनट मिल्क से इसको मिक्स करना पड़ेगा और थोड़ा सा तेल देना पड़ेगा इस पर। तो मैंने ये चिंगड़ी जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको पहले फ्राई कर लेते हैं सरसों के तेल में, ज़्यादा नहीं, मेरे पास सिर्फ 12 पीस या 13 पीस चिंगड़ी का पीस है, तो वो लोग मत ट्राई करना जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है, क्योंकि चिंगड़ी से बहुत ही एलर्जी ज़्यादा होता है। तो ये मिक्स है, तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इस पे दूध डाल दिया है, नारियल का दूध। तो ये मैंने एक नारियल खाया था जिसमें थोड़ा सा मलाई है अंदर, तो मलाई को थोड़ा घिस लिया था अंदर से, तो उस पर ये मिक्स करा हुआ जो पाउडर है, सरसों का पाउडर एंड नमक एंड हल्दी दिया था और मिर्ची भी दिया था, वो मिक्स करके इस पर डाल देना है, और चिंगड़ी फिश भी डाल देना है, और ऊपर इसको ढक भी देना है क्योंकि इसके अंदर अगर पानी चला जाएगा तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आटा को लेके एक रोटी की तरह बनाया है, तो इस पर थोड़ा फ्रेश चिली भी दे रहे हैं, थोड़ा बारीकी से काटा हुआ चिली एंड थोड़ा पानी भी डाल दिया। तो ये मैंने आटे से एक रोटी की तरह थोड़ा बनाया है,
रोटी बनाना तो मुझे नहीं आता है, फिर भी कोशिश किया जितना भी बन पाया। तो इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि पानी अंदर ना जाए। तो इसको कुकर में मैं बनाऊंगा। तो ये है कुकर, कुकर में मैंने आधा कुकर पानी डाल दिया है ताकि ये कोकोनट के ऊपर ना जाए पानी, मतलब मिडिल तक रहे। तो इसको ढक देंगे। ढक के क्या करना पड़ेगा, ये प्रेशर का सीटी जो है ना, ये सीटी को ऐसे खोल देंगे। तो अभी ये कुक हो चुका है, मैंने 30 मिनट्स तक इसको किया पकाया, करीबन 5 सीटी दिया। तो ये देखो अच्छे से पक चुका है अंदर से, बहुत ही गर्म है। अब इसको डाल लेंगे एक सादे प्लेट में ताकि अच्छा दिखे। तो ये मैंने डाल लिया, अब देख। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट।